नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क हिंदी के एक नए वीडियो में। आज हमारे पास एक लॉन्ग टर्मर इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस स्कूटर का नाम है ईवी ज़ेनिया और हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि यह स्कूटर एक डेली कम्यूटर स्कूटर के तौर पर आपके लिए कैसा रहेगा। ईवी ज़ेनिया के डिजाइन की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक स्पोर्टी लुक के साथ आता है। शार्प कट्स और क्रीज इसके लुक को और भी बेहतर बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बड़े आकार की हेडलैम्प यूनिट दी गई है। स्कूटर के ऊपरी हिस्से में एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल से भी यह इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पोर्टी लुक के साथ आता है। चारों ओर कट्स और क्रीज दिखाई देते हैं। साइड पैनल में बहुत कम डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं और दोनों ओर ज़ेनिया के स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक बड़ी सीट लगाई गई है जो राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही पर्याप्त कंफर्ट प्रदान करती है। इसके अलावा रियर प्रोफाइल में एक ब्राइट एलईडी टेल लाइट लगाई गई है जिसके साथ टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। फीचर्स की बात करें तो ईवी ज़ेनिया में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि बैटरी चार्ज परसेंटेज, राइडिंग मोड्स, ट्रिप और ऑडोमीटर जैसी जानकारी प्रदान करता है। इसके फ्रंट एप्रन के पीछे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट की सुविधा दी गई है जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक डिसेंट आकार का स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है जिसमें फोन, वॉलेट और अन्य छोटी चीजें रखी जा सकती हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 250 वॉट हब माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है जिसे बूट में लगाई गई 60 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी से पावर मिलती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। यह सिंगल चार्ज पर 60 से 65 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में यह स्कूटर एक अच्छी प्रारंभिक प्रतिक्रिया देता है। यह स्कूटर अपनी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे को जल्द ही हासिल कर लेता है और लगातार उसी रफ्तार को बनाए रखता है। इस स्कूटर का वजन केवल 80 किलोग्राम है जिसकी वजह से यह चलाने में बहुत ही हल्का महसूस होता है। स्कूटर में 10 इंच के पहिए लगे हैं जो गीले और सूखे दोनों रास्तों पर पकड़ बनाए रखते हैं और स्थिरता प्रदान करते हैं। स्कूटर पर बैठने की स्थिति भी काफी आरामदायक है जिससे इसे चलाने में थकान नहीं होती। हालांकि इसका फुटबोर्ड थोड़ा सा ऊंचाई पर है जिससे लंबे चालकों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। कंपनी 60 से 65 किलोमीटर रेंज का दावा करती है और हमने अपने टेस्ट ड्राइव के दौरान 60 किलोमीटर की रेंज इस स्कूटर से प्राप्त की है। इसे पूरी तरह से चार्ज होने में 4 घंटों का समय लगता है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ईवी की ज़ेनिया इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए कैसी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइव स्पार्क हिंदी के साथ।